नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक्निकल गुरु जी के एक और बहुत ही कमाल ब्रांड न्यू खास एक्सक्लूसिव एपिसोड में। और यहां पर दोस्तों, अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं तो जो मेरे आसपास की लोकेशन है वो काफी फेमिलियर शायद आपको लगेगी, बिकॉज आज से एग्जैक्टली एक साल पहले मैं यहीं पर इसी राह पे चलता हुआ दोस्तों एक वीडियो लेके आया था। और मैं हूँ फिलहाल खैर वीवो इंडिया ऑफिस में, जहाँ पे हमने पिछले साल बात की थी वीवो की 5th एनिवर्सरी के बारे में। अभी दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहाँ पे और लेवल अप करते हुए एक ब्रांड न्यू प्रोडक्ट के बारे में। इनफैक्ट दोस्तों ये पहली बार हो रहा है जब आप देख रहे हैं आप ही के अपने चैनल टेक्निकल गुरुजी पे एक ब्रांड न्यू स्मार्टफोन का ऑल एक्सक्लूसिव एक अलग स्टाइल में लॉन्च इवेंट। बहुत मजा होने वाला है, आपके लिए काफी सरप्राइजेस भी हैं, सरप्राइजेस का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पे खैर मैं आपसे स्मार्टफोन की तो बात करने वाला हूं, और अगर मैं आपसे बात करता हूं स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी की, तो आज की डेट में जो एक खास हॉट टॉपिक चल रहा है वो है 5G का, जो कि ऑफकोर्स दोस्तों हमारे लिए बहुत जरूरी है और फ्यूचर जो है वो एकदम सुपर फास्ट होने वाला है 5G के साथ में। और अगर दोस्तों हम ऐड करते हैं 5G प्लस वीवो को, तो हम शायद इमेजिन करेंगे एक काफी स्लीक काफी स्लिम 5G स्मार्टफोन। तो यार ये एक बहुत ही खास बात है। और अगर आप अभी गेस सोच रहे हैं करने का कि कौन सा फोन है क्या है, तो आपको बताता हूं एक रेफरेंस के लिए कि अक्टूबर में वीवो ने लॉन्च किया था अपनी वीवो वी सीरीज में V20 स्मार्टफोन को, और ये दोस्तों फोन जो था वो लेके आया था अपने साथ में 44 मेगापिक्सल का आई ऑटो फोकस कैमरा। और इनफैक्ट लॉन्च के 7 दिनों के अंदर अंदर दोस्तों यहाँ पे 1 लाख से ज्यादा प्री बुकिंग्स भी हो गई थी। तो अभी उसी का एक नेक्स्ट वर्जन, यहाँ पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं वीवो V20 प्रो के बारे में। और हम बात नहीं करेंगे यहाँ पर दोस्तों, बात के अलावा और भी बहुत कुछ होगा। और बहुत कुछ ये है कि आज दोस्तों जब आप देखेंगे इस वीडियो को, तो आप में से किन्हीं 5 लकी व्यूअर्स को मौका मिल जाएगा फोन लॉन्च होने के साथ साथ ही इसी ब्रांड न्यू वीवो V20 प्रो स्मार्टफोन को जीतने का। आप अपने स्क्रीन पर दोस्तों कुछ कुछ सवाल देखेंगे जिनके आपको जवाब देने हैं। ट्विटर के ऊपर आप यूज कीजिएगा #slimmest5G, #vivoV20 Pro, टैग कीजिए वीवो इंडिया को, टैग कीजिए टेक्निकल गुरुजी को, लॉन्च आके देखिए। मैं आगे बात करता हूं मिस्टर विकास से, डिटेल में इसी फोन को डाइसेक्ट करते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या लगाया है वीवो ने। बात करता हूं खैर मैं प्रोडक्ट की और डिटेल्स के बारे में, जहां पे हमें चाहिए सभी फीचर्स के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, सभी स्पेसिफिकेशंस और साथ में कीमत। तो यहां पर दोस्तों मैं वेलकम करता हूं एक एक्सपर्ट का, और एक्सपर्ट दोस्तों हमारे साथ में है मिस्टर विकास, जो कि हैं वीवो इंडिया के डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट। विकास, मोस्ट वेलकम टू टेक्निकल गुरुजी चैनल, एंड आई एम श्योर कि अभी आप फोन के बारे में सब डिटेल्स बता देंगे सभी व्यूअर्स को। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वार्म वेलकम। आई थिंक इट्स बीन अ ईयर नाउ, एक साल बाद। I think, how does it feel to be back in Vivo office exactly 1 year? It's always a pleasure, and I think मैं जब एक साल बाद आया हूँ और हम मिलके इतना कुछ बड़ा कर रहे हैं एक साथ, तो definitely जो excitement है वो बिल्कुल into 100 है, and अभी के लिए I think कि can't wait more to know more about the Vivo V20 Pro. तो चलिए मिलकर लॉन्च करते हैं Vivo V20 Pro. Amazing. तो विकास, हम फोन के बारे में बात करें उससे पहले आई थिंक मैं आपको बताता हूँ कि ना, मैं क्योंकि वीडियोस कवर करता हूँ, मैं इतनी सारी लीक्स देख रहा था वीवो V20 प्रो के बारे में कि वीवो V20 प्रो में ऐसा 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 पता नहीं कैसा कैसा। तो आप खैर अभी बताएंगे ऑफिशियली कि एग्जैक्टली क्या पैक किया है वीवो ने इस फोन में, लेकिन उससे पहले इफ यू कैन यू नो टेल मी कि व्हाट वाज द मेन आइडिया बिहाइंड दिस प्रोडक्ट, मतलब आपने किस अप्रोच के साथ में इसको डिजाइन करना स्टार्ट किया, बिकॉज यू नो यू कम इन फ्रॉम द प्रोडक्ट साइड। श्योर श्योर गौरव, सो आई थिंक अगर हम वीवो वी सीरीज की बात करें तो हमारा फोकस हमेशा डिज़ाइन और कैमरा पे रहता है। हाल ही में आपने देखा होगा जो हमने V20 सीरीज़ के 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए, V20 और V20 SE। टॉकिंग अबाउट V20, वी इंट्रोड्यूस वन ऑफ इट्स काइंड टेक्नोलॉजी इन सेल्फी कैमरा कॉल्ड आई ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी, एंड दैट टू विथ 44 MP कैमरा लेंस। और कैमरा ही नहीं, अगर हम डिज़ाइन की बात करते हैं तो V20 इज़ वन ऑफ द स्लिमेस्ट फोन अवेलेबल इन मार्केट टुडे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो डिजाइन हो या कैमरा हो, V20 प्रो में हमने इन दोनों में अपग्रेड्स तो किए ही हैं, लेकिन इस बार V20 प्रो में हमने परफॉर्मेंस सेक्शन के अंदर मेजर अपग्रेड किया है। और इन सब अपग्रेड्स के बारे में बताने से पहले, इफ यू आस्क मी टू डिफाइन V20 प्रो इन 1 लाइन, आई वुड से इट्स अ प्रो ग्रेड सेल्फी इन अ स्लिमेस्ट 5G स्मार्टफोन
एक्सपीरियंस, आई थिंक दैट्स हाउ आप ये कह सकते हैं इस फोन के बारे में. आई थिंक इस एक लाइन में काफी सारे अच्छे एडजेक्टिव्स आ गए हैं, एंड जितना आपने मुझे बताया डिजाइन, कैमरा एंड परफॉर्मेंस, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसमें आई थिंक बहुत एक नो कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है जो मतलब इस फोन में आप ऑफर कर रहे हैं वीवो V20 Pro में. तो आई थिंक हम डिजाइन से स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली डिजाइन कैसा है इस वीवो. श्योर गौरव, तो डिजाइन के बारे में शुरू करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा कंज्यूमर जर्नी के बारे में बताना चाहता हूँ. हम वीवो में बहुत सारी रिसर्च करते हैं और हमने ये देखा अपनी उस रिसर्च के हिसाब से एक इंसाइट मिली हमें, जब एक कंज्यूमर हमारे स्टोर के अंदर आता है तो उसका सबसे पहले ध्यान फोन के डिजाइन की तरफ जाता है और फीचर्स आते हैं बाद में. तो ये हमने देखा जब कंज्यूमर आता है उसको डिजाइन देखता है तो वो सब कुछ देखता है, उसकी हैंडलिंग कैसे है, उसका वेट कितना है, उसकी स्लिमनेस कितनी है, कलर्स कैसे हैं, ओवरऑल फिनिश कैसे है, और तब वो डिसाइड करता है. तो इसलिए हमने V20 Pro के अंदर एक बहुत ही शानदार डिजाइन दिया है. जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर फोन बहुत ही, अगर आप देखें एर्गोनॉमिकली बहुत फिट है, ग्रिप बनती है इसकी, काफी स्लीक भी है जी. इसकी स्लिमनेस के बारे में अगर मैं बताना चाहूं आपके दर्शकों को, ये जस्ट 7.39 mm स्लिम है. ओके. और इसका वेट सिर्फ 170 ग्राम है. तो आई थिंक दिस मेक्स द Vivo V20 Pro काइंड ऑफ क्वाइट अ स्लिम ऑफ अ 5G स्मार्टफोन. एब्सोल्युटली गौरव. सो आई थिंक अगर आप इसके एक्सटीरियर में पीछे की तरफ देखेंगे, लुक एट द बिवील्ड कट्स, द मेटिकुलस फिनिश व्हिच वी हैव गिवन इन द रियर कैमरा, इट रियली मेक्स द फोन स्टैंड आउट. और यही नहीं, इसमें हमने पीछे की तरफ दो नई टेक्नोलॉजीज दी हैं जो आपको बहुत रेयरली दिखेंगे इस सेगमेंट में. एक टेक्नोलॉजी है एंटी ग्लेयर, जो कि अगर आप देखेंगे फोन को बहुत ही स्मूथ, सटल, स्मूथ बनाता है. प्लस नो फिंगरप्रिंट, दैट्स द सेकंड टेक्नोलॉजी, दैट इज एंटी फिंगरप्रिंट वैक्यूम कोटिंग टेक्नोलॉजी, जो ऑफ कोर्स आपके फिंगरप्रिंट इंप्रेशंस, जो आपके स्मियर्स आ जाते हैं फोन के ऊपर, वो अब नहीं आएंगे. फोन का लुक आपका अच्छा जो है वो और अच्छा रहेगा, और वो अच्छा लुक बरकरार रहेगा लंबे समय तक, आपका जब यूजेज होगा तो फिंगरप्रिंट्स नहीं आएंगे. जी जी गौरव. तो डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक हमने, इनफैक्ट ये जो कलर है ना, मतलब मैं इसके बारे में पता नहीं, मैं हर बार ज्यादा ही बात कर लेता हूँ मतलब एक्साइटमेंट के चक्कर में, बिकॉज ये जो सनसेट मिली कलर है, ये जब वीवो V20 में भी आया था जी. और मतलब ना इसको मैंने पहले देखा, टू बी ऑनेस्ट, मैंने इसको देखा कि यार इसमें कौन से कलर है, इसमें मेरे को ऑरेंज दिख रहा है, मेरे को इसमें पिंक भी दिख रहा है, ब्लू भी है, पर्पल भी है. तो आई थिंक इस बार वापस से भी वीवो V20 Pro में हमको मिल रहा है सनसेट मिली कलर, एंड अगेन आपके पास जो है दूसरा वाला इसका कलर ऑप्शन, तो दोनों ही मिला के डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एक अच्छा बनाते हैं इस फोन को. चलो डिजाइन की बात हो गई, मूविंग नेक्स्ट, आई थिंक यहाँ पे आपको शायद सबसे ज्यादा बात करनी होगी, जो कि है फोन का कैमरा. तो कैमरा में वीवो V20 में आई हैव सीन 44 मेगापिक्सल्स आई ऑटो फोकस सेल्फी कैमरा, नो बहुत अच्छी सेल्फीज भी हैं, एंड यू नो अलग अलग बहुत सारे फीचर में पैक किए थे. बट क्योंकि ये तो फोन उससे एक लेवल आगे जा रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रो फोन, एब्सोल्युटली. तो व्हाट एक्स्ट्रा फीचर्स हैव यू पैक्ड इन इस फोन के कैमरा के बारे में, क्या खास है? एब्सोल्युटली गौरव, आई थिंक कैमरा की जितनी बातें की जाए इस फोन के बारे में उतनी कम है. तो अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि Vivo V सीरीज इज नोन फॉर इट्स फ्रंट कैमरा एक्सपीरियंस, राइट? तो इसको हम V20 Pro में नेक्स्ट लेवल पर लेके गए हैं. दिस एक्चुअली ऑफर्स द प्रो सेल्फी एक्सपीरियंस टू ऑल आर यूजर्स आउट देयर. V20 के अंदर आपने देखा हमने 44 MP आई ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया. वो सेम टेक्नोलॉजी हमने V20 Pro में भी दी है. इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, हमने एक 8 MP का डेडिकेटेड लेंस इसमें और ऐड किया है. This is आगे what I was just thinking कि हाँ, वो तो मिल गया, उसके ऊपर क्या मिल रहा है? बिल्कुल, I think बाकी के फोन्स जो मार्केट में हैं, उसमें भी डुअल कैमरास हैं, नो ग्रेट शेक, बट इसके अंदर जो डुअल कैमरा है 8 MP का, वो वाइडर परस्पेक्टिव, वाइडर सेल्फीज तो देता ही है, साथ में आपकी सेल्फीज को डिस्टॉर्शन फ्री बनाता है. हम इस पे बहुत R&D करते हैं कैमरा पे, तो हमने इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, एल्गोरिदम्स के जरिए फ्रंट कैमरा के अंदर डिस्टॉर्शन फ्री बनाया अपनी सेल्फीज को. वो करता क्या है, जब आप फोटोज लेते हैं अपनी सेल्फीज को, अपने ऑब्जेक्ट्स को वो बैकग्राउंड से अलग करता है, दोनों की अलग से प्रोसेसिंग करता है. बिकॉज अगर आप देखो वाइडर पिक्चर्स में जो कॉर्नर्स होते हैं, वो एजेस डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, तो अब वो नहीं होंगे. इस डिस्टॉर्शन फ्री वाइडर सेल्फीज इज व्हाट इट इज गोना गेट अस. तो मतलब पूरे परिवार की एक अच्छी ग्रुप फोटोज, पूरे फ्रेंड सर्कल की एक अच्छी ग्रुप फोटो आप ले सकते हैं इस कैमरा से. एग्जैक्टली. सो अब कोई भी फैमिली में फ्रेंड्स हो आपका, कोई भी मिस नहीं होगा, एक फ्रेम में सब एक साथ आएंगे वाइडर. और यही नहीं, इस 8 MP वाइड एंगल कैमरा को हमने इंटेलिजेंटली बहुत अच्छे से यूज किया है. आप इसमें बोके इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं. यही, ये सिर्फ स्टिल वाइडर फोटोग्राफी के लिए नहीं है, इसमें आप वाइडर वीडियोज भी रिकॉर्ड कर सकते हो. ओके, वाइड एंगल कैमरा से हम वीडियोज भी बना सकते हैं. जी okay. ऐसा अगर हम की बात करें फ्रंट कैमरा की, इसमें बहुत सारे बेहतरीन फीचर्स हैं, जैसे कि एक नया फीचर डबल एक्सपोजर हमने लॉन्च किया है. ओके, आई थिंक बहुत
ड्यूरिंग ट्रैवल एंड स्टफ वो शायद काफी काम करने वाला है, इफ यू नो यू वांट टू हैव सम आर्टिस्टिक फोटोज। एब्सोल्युटली बैंग ऑन गौरव, जो आप जैसा आपने बोला ये आपके पोर्ट्रेट में एक आपको आर्टिस्टिक इफेक्ट्स देने वाला है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे फोन्स के अंदर डुअल कैमरास होते हैं, बट इस फोन में जब आप डबल एक्सपोजर ऑन करते हैं तो दोनों कैमरास एक साथ ऑन हो जाएंगे और वो आप उसको एक सुपर इम्पोज कर सकते हैं। आप सपोज ताजमहल में हैं या बीच पे हैं, आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि आप मेरी फोटोग्राफ लीजिए बीच के साथ। हम तो वैसे कह भी नहीं सकते ना, बिकॉज़ वी हैव टू स्टे अपार्ट एज मच एज पॉसिबल। आई थिंक बिल्कुल। तो इस एक्सेप्शनल टाइम में एक ये डबल एक्सपोजर एक यूनिक फीचर जो हमने इस सेगमेंट में पहली बार दिया है, जो V20 प्रो में आ रहा है, जिसके जरिए आपका जो क्रिएटिविटी है आप उसको अनलीश कर पाएंगे। स्काई इज द लिमिट, पीपल आर स्मार्ट। सो विद दिस डबल एक्सपोजर फीचर आप एक इमेज के अंदर दो स्टोरीज बहुत ही एफर्टलेसली बना सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज, बिकॉज V20 में भी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मतलब अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कैमरा के, तो V20 में मैंने एक्सपीरियंस किया था कि लो लाइट सेल्फी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। Exactly. इसमें भी आपने कुछ और इंप्रूवमेंट्स किया लो लाइट? इसमें भी हमने सुपर नाइट सेल्फी 2.0 विद ऑरा स्क्रीन लाइट। आई थिंक दिस ऑरा स्क्रीन लाइट, इसका ऑरा ये है कि ये एक स्टूडियो लाइट की तरह काम करता है। नाइट मोड सभी के पास है, बट इसमें कैसे डिफरेंट है वो मैं आपको और आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा। ऑरा स्क्रीन लाइट में जैसे ही आप ऑन करते हैं फोन के अंदर, एक स्टूडियो लाइट ऑन हो जाएगी जो कि हार्श नहीं है, आपको रियल टाइम प्रीव्यू देखने को मिलेगा सेल्फी खींचने से पहले। तो आपकी जो स्माइल है वो स्माइल मेंटेन रहेगी फोटो खींचने, सेल्फी लेने से पहले भी और सेल्फी लेने के बाद भी। और नाइट एल्गोरिदम्स हमने नॉइस रिडक्शन एल्गोरिदम ऐड किए हैं जिससे कि आपकी नाइट फोटोग्राफी फ्लॉलेस होती है। और चीज मैं आपसे पूछूंगा अगर आगे, लेकिन गाइस उससे पहले मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि यहाँ पे जो ये ब्रांड न्यू ऑल न्यू वीवो V20 प्रो स्मार्टफोन है, ये आप में से किन्हीं 5 लकी व्यूअर्स के लिए भी रेडी है हमारे पास में स्टॉक में। आप जो फिलहाल स्क्रीन पे क्वेश्चंस देख रहे हैं उनके आंसर्स देते रहिए, प्रॉपर हैशटैग्स यूज कीजिए, #slimest5g, #vivoV20 pro, टैग कीजिए वीवो इंडिया और टेक्निकल गुरुजी को, और बाद में लेट्स सी कि जिस फोन के बारे में अभी हम बातें कर ही रहे हैं वो सीधा आपके हाथों में बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। विकास, आपने फोटोज के बारे में बहुत कुछ बता दिया, वाइड एंगल कैमरा, यू नो आपने डबल एक्सपोजर के बारे में बात कर ली, आपने हमको बता दिया नाइट मोड के बारे में, लेकिन आई एम अ वीडियो गाय और मैं हमेशा ही देखता हूँ कि वीडियो कैपेबिलिटीज कैसी हैं किसी पर्टिकुलर स्मार्टफोन में, स्पेशली फ्रंट कैमरा में, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि हमको ऑनो फ्रंट कैमरा से वीडियोज रिकॉर्ड करनी है। Sure. तो आपने मुझे बताया कि वाइड एंगल कैमरा में यहाँ पे वीडियो बना सकते हैं, लेकिन उसके अलावा क्या 4K 60 FPS या कुछ और ऐसे फीचर्स हमको मिल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हमने जब हम बोल रहे हैं कि Vivo V सीरीज एंड स्पेशली V20 प्रो इज नोन फॉर इट्स प्रो सेल्फी एक्सपीरियंस, तो हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ी है जो कि रियर कैमरा में एक्सपीरियंस हो और जो आगे की तरफ ना हो। वीडियोस की बात करें तो 4K रेजोल्यूशन की जो आपकी वीडियोस अभी तक आप रियर कैमरा तक यूज करते थे, एक्सपीरियंस करते थे, वो अब आप फ्रंट कैमरा में भी कर पाएंगे, एंड दैट टू एट 60 frames per second। ओके, या यही नहीं, अगर हम स्लोमोस की बात करें, आजकल ट्रेंड है, अभी टिकटॉक तो बंद हो गया है लेकिन इंस्टाग्राम रील्स काफी जगह हमने देखा है कि स्लो मोशन वीडियोस जो है गेनिंग लॉट ऑफ ट्रैक्शन, तेज हवाओं में आपकी जुल्फें लहरा रही हो और मतलब ऐसे आप आर्टिस्टिक वीडियोस बना रहे हो सेल्फी कैमरा से, तो वो डेफिनेटली एक अच्छा मतलब वो दिखने में काफी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल। सो अभी हमारे सब कंज्यूमर्स 120 FPS नहीं सर, उसमें भी 240 FPS हमने दिया है। ओके, सो सब हमारे कंज्यूमर्स के वो जो एक्शन पैक थ्रिलिंग मूवमेंट्स उछल कूद वाले जो आपके मूवमेंट्स हैं जहां पे आप स्लोमो में रिकॉर्ड करना चाहेंगे, बिल्कुल, तो वो आप इस स्लोमोज में रिकॉर्ड कर सकते हो, कैप्चर कर सकते हो बिना कोई क्लैरिटी लूज किए। 240 FPS इज एक्चुअली लाइक 8 times स्लोअर द एक्चुअल एक्शन। विकास, आपने फ्रंट कैमरा के बारे में बता दिया, नाउ व्हाट अबाउट द रियर कैमरा ऑफ दिस फोन? श्योर, आई थिंक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। क्वेश्चन मैं इसमें ऐड करता हूं, मैंने जब इसको देखा ना, देखते ही मैंने काउंट किया 1 2 3। आज की डेट में ऑलमोस्ट यू नो एवरी सेकेंड फोन इज यू नो व्हाट वी आर सीइंग इज क्वाड कैमरा, और आप बात कर रहे हो एक प्रो फोन की एंड यू आर लॉन्चिंग विद जस्ट 3 cameras, व्हाई नॉट 4? हमारे दर्शकों को भी ये डाउट होगा कि व्हाई ट्रिपल कैमरा, तो इसको मैं एड्रेस करना चाहूंगा। आई थिंक सबसे पहले इसके कैमरा ट्रिपल रियर कैमरा लेंस के बारे में मैं बताता हूँ। इसमें 3 पावरफुल कैमरा लेंसेज हैं। फर्स्ट मेन प्राइमरी 64 MP है, सेकेंड जो है 8 MP मल्टी फंक्शन कैमरा है। Okay. मैं अभी बताऊंगा वो मल्टी फंक्शन क्या है। थर्ड जो है 2 MP का मोनो कैमरा लेंस। Okay. अब वाई ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, ऑल आई कैन से हमारा जो ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप V20 प्रो के अंदर दिया है वो मच मोर पावरफुल है क्वाड रियर सेटअप से, क्योंकि आप अगर देखेंगे बाकी के कैमरा फोन्स में जो क्वाड कैमरा होता है वो या 2 MP का मैक्रो या 5 MP का ज्यादा से ज्यादा बोके होता है। इसमें हमारी जो सारी फंक्शनैलिटी है वो 8 MP मल्टी फंक्शन कैमरा से हो जाएगी। कोई भी आपको फंक्शनैलिटी
हमारे कस्टमर्स को कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। तो आप हमारा जो 8MP मल्टीफंक्शन कैमरा है वो आपको 120 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू देता है, आपको आपके जो वाइडर प्लैंस के पिक्चर्स हैं वो भी आप 8MP की पावर से कैप्चर कर सकते हैं, यही नहीं पोर्ट्रेट भी आप कैप्चर कर सकते हैं। और इसमें जो आपका मैक्रो कैमरा है वो अब 2MP नहीं, वो 8MP है और 2.5 सेंटीमीटर तक आप क्लोज जा सकते हैं। तो टेक्निकली फंक्शनैलिटी सब कुछ बेक कर दिया है, लेकिन और इनफैक्ट एक बेटर वे में बेक किया है, बिकॉज जो मैक्रो है वो भी 2 से बढ़कर 8 हो गया है, तो विच इज एक्चुअली मोर यूजफुल एग्जैक्टली एंड यू नो गिविंग अ कंप्लीट फंक्शनैलिटी। तो आई थिंक कैमरा एक्सपीरियंस भी डेफिनेटली, जो आपने बताया कि यू नो टन्स ऑफ डिफरेंट मोड्स बेसिकली टू चूज फ्रॉम, तो रियर कैमरा के अंदर भी सब एंजॉय करेंगे। लेकिन अभी मैं जाता हूँ वापस से आपके इंट्रो यू नो पैराग्राफ का ही, मैं अगर एक लाइन पिक करके आपको पूछता हूँ कि आपने बात किया था डिजाइन जी, कैमरा जी एंड परफॉर्मेंस, आपने बोला था कि बिकॉज इट्स अ प्रो स्मार्टफोन वी आर टॉकिंग अबाउट इवन एनहांस्ड परफॉर्मेंस जी, तो व्हाट आर द एग्जैक्ट यू नो काइंड ऑफ परफॉर्मेंस पैरामीटर्स जो इस फोन के साथ में आते हैं? श्योर गौरव, श्योर। आई थिंक अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, प्रोसेसर जो होता है एक फोन की बैकबोन होता है ऑफ कोर्स, और अगर बैकबोन आपकी स्ट्रांग है तो आपकी गेमिंग कैपेबिलिटीज नहीं, कैमरा कैपेबिलिटीज, मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस सब कुछ स्ट्रांग हो जाता है अगर बैकबोन स्ट्रांग हो। तो इस फोन के अंदर V20 Pro के अंदर हमने दिया है 765G Qualcomm Snapdragon चिपसेट। तो आप सोच समझ सकते हैं ये सेम चिपसेट है जो हमने अपने फ्लैगशिप X50 Pro में दिया था। और V सीरीज की बात करें तो ये V20 Pro हमारा पहला V सीरीज का फोन है जिसमें हम 5G कैपेबिलिटीज दे रहे हैं, तो जो इसको एक फ्यूचर रेडी फोन बनाता है। फ्यूचर रेडी इसलिए बिकॉज नेक्स्ट ईयर में 5G लॉन्च होगा हमारी कंट्री में। हम चाहते हैं हमारे कस्टमर जो V20 Pro लें उनको ये रियलाइज ना हो कि उन्होंने एक पुराना फोन ले लिया। तो वो एक फ्यूचर रेडी फोन है, आपको फोन चेंज करने की जरूरत नहीं है, जब हमारी कंट्री में 5G ओपन होगा आपका फोन रेडी। सो दिस आई थिंक मेक्स द Vivo V20 Pro द मोस्ट पावरफुल Vivo V सीरीज फोन एवर, विद स्नैपड्रैगन 765G 5G ऑक्टाकोर प्रोसेसर। हाउ अबाउट द रैम एंड द स्टोरेज? श्योर गौरव, इट कम्स विद 8GB रैम and 128GB internal memory. Okay, तो मतलब it's a complete, मतलब if I can summarize everything, but yeah, अभी again you know the main important aspect is missing, which is battery and charging. मतलब sure. मैं calculate कर रहा हूँ, मैं ना दिमाग में एक spec list बना के बैठा हूँ, मैं starting में मैंने design fill कर दिया, फिर मैंने जो है वो अपना camera वाला सारा spec fill कर दिया, फिर मैंने performance fill कर दी, अभी how about the battery and the charging capabilities? I think इतना कुछ है फोन के अंदर, हम चाहते हैं कंज्यूमर फुल डे इसको यूज करे और रुके ना कभी भी। तो फोन के अंदर हमने दिया है 4000mAh बैटरी, और इन केस अगर ज्यादा गेम्स खेल ली, ज्यादा कैमरा यूज कर लिया और बैटरी कम भी होती है, तो हमने इसमें 33W का फ्लैश चार्ज 2.0 दिया है, फास्ट चार्जिंग, जो कि आपकी बैटरी को 65% तक चार्ज कर देगा 30 मिनट्स के अंदर। ओके, तो मतलब सब चीजों का एक कंप्लीट पैकेज Vivo V20 Pro में आपने प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की है सभी कंज्यूमर्स के लिए। और यहाँ पर दोस्तों मेरी तरफ से कोशिश है कि आप में से किन्हीं 5 लकी व्यूअर्स को ये फोन मिल जाए यार। तो मतलब मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ आपको बता बता के, और आप अपनी कोशिशें पूरी करो। सही जवाब जो आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पे क्वेश्चंस के, उनके देते हुए ट्विटर के ऊपर आप यूज कीजिए प्रॉपर हैशटैग्स, टैग कीजिए प्रॉपर Vivo इंडिया और टेक्नोलॉजी अकाउंट्स को, एंड Who knows कि ये जो फोन है ये सीधा यहां से टेलीपोर्ट होके आपके हाथ में पहुंच जाए और आप इसी का जो पूरा मजा है, जो चीजें विकास ने बताई है, उन सबका मजा उठा पाए। विकास, अभी आई थिंक इट्स टाइम कि हम जल्दी से बस यू नो रिवील कर दें, एंड आई थिंक मेरे को भी आप बताई दो कि व्हाट इज द ऑफिशियल प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ V20 Pro। आई थिंक इस प्राइसिंग से पहले एक दो चीजें मैं आपको और बताना चाहूंगा, कुछ और बाकी है भी बताना थोड़ा सा। आई थिंक ये सब हमने हार्डवेयर के बारे में बात की, कुछ हमने एक सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटीज भी इसमें ऐड की है। इस फोन के अंदर फन टच OS लेटेस्ट 11 आता है, जो कि एंड्रॉयड 10 पे बेस्ड है, एंड विद इन फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर हमारा ओवर द ईयर फर्मवेयर अपग्रेड चला जाएगा सभी कंज्यूमर्स को V20 Pro को, जिससे वो एंड्रॉयड 11 भी यूज कर पाएंगे मार्केट लेटेस्ट। टेक्निकली जैसे आप फोन लेंगे आपको एक्सपीरियंस एंड्रॉयड 11 का मिलने वाला है। बिल्कुल मिलने वाला है, जैसे ही हाथ में आएगा आपको एंड्रॉयड 11 अपडेट मिल जाएगा। यही नहीं, इसमें हमने कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फीचर्स ऐड किए हैं, फॉर एग्जाम्पल AI इमेज मैटिक, डायनेमिक स्काई, ये कुछ चीज़ें हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को, इसमें एक मेमोरी रिकॉलर करके फीचर है। ये मेमोरी रिकॉलर बहुत ही उम्दा फीचर है। ये करता क्या, मैं गैस ही कर रहा हूँ कि नाम से क्या हो सकता है। सो जितनी आपकी पिक्चर्स आपके पास, मेरे पास अपनी पुरानी एल्बम में है, वो प्रिंट्स जो कि जब 2 मेगापिक्सल या 5 मेगापिक्सल का हायर कैमरा आता था जी, राइट, वो सब पिक्चर को हम रिलिव कर सकते हैं, उनको इस मेमोरी रिकॉलर फीचर के जरिए
फाइन ट्यून करके आप उसकी क्लैरिटी को एनहांस कर सकते हो और दोबारा से उन मोमेंट्स को लिव कर सकते हो। तो इसके लिए हम डिजिटल फॉर्मेट में और एनहांस कर सकते हैं हमारी पुरानी मेमोरीज को। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो अब जो पुरानी पिक्चर्स हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे दादा दादी के साथ जो पिक्चर्स हैं, उनको हम दोबारा से उन मोमेंट्स को चेरिश कर सकते हैं। 36 फोटोज वाला रोल यार हम सबको याद है, और मतलब अभी हम बात कर रहे हैं, सोचिए कितने हाईटेक कैमरा फीचर्स की, वो भी सीधा है, इतने स्लीक फॉर्म फैक्टर में, और खैर वो जमाना अलग था, लेकिन अभी हाँ मेमोरी रिकॉल हम अच्छे से कर पाएंगे। जी जी जी। चलो नाउ इट्स टाइम फॉर द प्राइस। एब्सोल्युटली। आई थिंक वी एट वीवो हैव ऑलवेज इंश्योर्ड आवर कंज्यूमर डिलाइट टू बी एन एब्सोल्युट प्रायोरिटी व्हाटएवर वी डू, एंड दिस टाइम ऑल्सो वी हैव मेड इट डिलाइटफुल व्हेन इट कम्स टू V20 Pro प्राइसिंग। जैसे कि आप देख रहे हैं, V20 Pro कम्स इन 8 128 GB पैकेज और इसका प्राइस है 29,990। और यही नहीं, दिवाली खत्म हो गई है, लेकिन बहुत सारी ऑफर्स हमने अपने कंज्यूमर्स के लिए प्लान की है, आप देख सकते हैं इस स्लाइड पर। चाहे वो कैशबैक हो बैंक से, EMI हो, बजाज फाइनेंस स्कीम्स हो, डेबिट कार्ड पर, क्रेडिट कार्ड पर, सभी हमने अपने कंज्यूमर को उपलब्ध कराई है। अमेजिंग। तो थैंक्स अ लॉट विकास फॉर पुटिंग इन ऑल द डिटेल्स। एकदम एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में हमने शूट कर लिया और बहुत मजा आया मेरे को वीडियो शूट करके। लेकिन उससे पहले मजा आपको मिलना चाहिए गाइस। आई थिंक इट इज द टाइम अभी ये वीडियो खत्म हो उससे पहले एक फाइनल ट्राई तो बनता है, एक फाइनल ट्राई अपने सही जवाबों के साथ। आपको स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आपने देखे थे, 5 विनर्स बन सकते हैं, कोई इस पे लिमिट नहीं है कि आप जवाब एक बार दें या 10 बार दें या 100 बार दें, जितना हो सकता है उतना ट्वीट करते रहिए। और अगेन जो फोन सेल पे जाएगा तब आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी तरफ से मिल जाए तो उसमें नुकसान क्या है, इसी Vivo V20 Pro स्मार्टफोन का पूरा मजाक उठा पाएंगे। थैंक्स विकास, आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड या अभी इट्स टाइम टू चलिए खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच गौरव फॉर हैविंग मी ऑन टेक्निकल गुरुजी। थैंक यू।